osmotic concentration. आवाज जा रही है, जा रही है आवाज, ठीक है. ए सॉल्यूशन डेट हैविंग हायर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, हायर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन टू टू अनदर सॉल्यूशन कॉल्ड hypertonic solution. The external solution, the external solution cause, the external solution cause एक जो osmosis, एक जो ऑस्मोसिस. अब पूरी बात यहां पर हम लोगों ने कल बेटा इस तरह से डायग्राम बनाया था, और एक यहां पर इस तरह से सेल या कोई भी चीज दे दिए. समझ लो ये दो अलग अलग सॉल्यूशन है. एक ब्लैक कलर का सॉल्यूशन है और एक रेड कलर का सॉल्यूशन है. दोनों सॉल्यूशन एक मेम्ब्रेन से सेपरेट हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट है. तो एग्जांपल को समझने के लिए आप कह सकते हैं कि यह एक सेल है और यह एक सॉल्यूशन है, नमक पानी का घोल या किसी भी चीज का सॉल्यूशन है. तो नमक पानी के घोल में अगर आप इस आरबीसी को डालेंगे तो यह क्या करेगा, एक्जो ऑस्मोसिस और इंडो ऑस्मोसिस बता चुके हैं. एक्जो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, पानी का बाहर आना, सेल से पानी का बाहर आना, दैट इज एक्जो ऑस्मोसिस. और सेल के अंदर पानी का अंदर जाना, दैट इज एंडो ऑस्मोसिस. ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का हमारा डेफिनेशन कहता है कि ए सॉल्यूशन दैट हैविंग हायर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन टू अनदर सॉल्यूशन. यानी ये जो सॉल्यूशन है इसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, अब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप यहां पे कह सकते हो कि ये 10% NaCl का सॉल्यूशन है, यानी कि 10% इसमें सॉल्यूट यानी कि नमक है और बाकी का 90% इसमें सॉल्वेंट है यानी इसमें पानी है. समझ में आई बात, कौन सा यहां पर जो एरो दिखाए हैं इसमें. और ये जो रेड कलर वाला है ये 5% NaCl का सॉल्यूशन है, यानी इस रेड कलर वाले में 5% NaCl यानी कि नमक है और बाकी का 95% सॉल्वेंट है यानी इसमें पानी है. अब समझ में आई बात. तो जब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो कहते हैं कि ये जो ब्लैक कलर वाला जो सॉल्यूशन है वह क्या है, हाइपरटोनिक. क्यों, क्योंकि इसमें ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू अनदर. तो ये रेड कलर वाले से जो ब्लैक कलर वाला है इसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसीलिए इस सॉल्यूशन को हम लोग हाइपरटोनिक, हाइपर का मतलब ज्यादा, और ये जो सॉल्यूशन है वह एक्जो ऑस्मोसिस काउज करेगा, यानी पानी जो है ये रेड कलर वाले से बाहर की ओर आएगा. इसीलिए ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक. अब समझ में आई बात. दूसरा डेफिनेशन है हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक हमारा क्या कहता है सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का डेफिनेशन जस्ट उसी तरह तो लिखेंगे, ए सॉल्यूशन दैट हैविंग, ए सॉल्यूशन दैट हैविंग लोअर ऑस्मोटिक, लोअर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन टू अनदर लोअर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन टू अनदर
सॉल्यूशन कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इसमें दी एक्सटर्नल सॉल्यूशन, दी एक्सटर्नल सॉल्यूशन कॉज एंडोऑस्मोसिस, दी एक्सटर्नल सॉल्यूशन कॉज एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस कॉल्ड, अच्छा नहीं कहो गया एंडोऑस्मोसिस। तो एक्सटर्नल सॉल्यूशन यानी ये ब्लैक वाला सॉल्यूशन अब पानी को अंदर भेजने का काम करेगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक। पहले अब ये हाइपोटोनिक समझ गए, अब आइए यहां पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हम लोग समझते हैं, यानी इसमें क्या होगा। कब किसी सॉल्यूशन को हम लोग हाइपोटोनिक कह सकते हैं, हाइपोटोनिक कब कहेंगे ये तो समझे। अब हाइपोटोनिक कब कह सकते हैं, तो मान लीजिए बेटा यहां पर ये जो ब्लैक कलर का जो सॉल्यूशन है वो 10% NaCl का सॉल्यूशन, यानी 10% सॉल्यूट एंड 90% वाटर है, लेकिन जो रेड कलर वाला है ये 15% NaCl का सॉल्यूशन है, जिसमें 15% NaCl है और 85% क्या होगा पानी। तो पहले उल्टा था, बाहर में पानी क्या थी कम थी और अंदर में पानी ज्यादा था, इसलिए अंदर से पानी कहां रहा था बाहर की ओर, लेकिन अब जब कंपैरिजन करेंगे तो बाहर में पानी क्या है ज्यादा है। अरे भाई यहां पर क्या हो गया, यानी यहां पर 90% सॉल्वेंट है, यानी ये जो यहां पर यह दिखाए ना एरो, इसमें क्या है यहां पे एरो देखो, ये रेड कलर वाले से एरो दिखाया है मैंने, तो अब कलर भी पूरा चेंज करना पड़ेगा क्या मुझे, लीजिए पता नहीं आप लोग, चलिए अब ऐसे कर देता हूं भाई, कोई कंफ्यूजन का रास्ता ही नहीं छोड़ूंगा। ये देखिए अब यहां पर 15% NaCl का सॉल्यूशन है इस रेड कलर वाले में, यानी 15% NaCl यानी 15% क्या है नमक, तो बाकी 85% क्या है इसमें सॉल्वेंट यानी कि पानी। अब पानी अब बताओ अब किधर ज्यादा और किधर कम, कहां ज्यादा है पानी, बाहर ज्यादा है और अंदर में क्या है कम है, तो वाटर का मूवमेंट किधर की ओर, बाहर से अंदर की ओर। तो यानी कि जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन, वही लिखा है मैंने यहाँ पे कि द एक्सटर्नल सॉल्यूशन कॉज एंडोऑस्मोसिस, और एंडोऑस्मोसिस क्या कहता है पानी का अंदर जाना, दैट इज एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस यानी पानी का बाहर आना। अब एग्जांपल के रूप में जब आप काफी देर तक कपड़े की धुलाई करते हो, बोलो सर धुलता ही नहीं हूं घर में वॉशिंग मशीन है ना, चलिए ठीक है, या कभी आप किसी बीच पे नहाने के लिए गए, ठीक बगल में दापोली है सभी लोग जानते हैं, जाते हैं कभी कभी, तो बीच पे जब अगर आप एक घंटा नहा लेते हो तो क्या होता है कि ये हाथ की उंगलियां सिकुड़ने लगती हैं, ऐसा क्यों हुआ, दैट इज एक्सोऑस्मोसिस। जिस समुद्र में आप नहा रहे हो उसमें NaCl बहुत ज्यादा है और आपके हाथ का जो सेल है उसमें NaCl बहुत कम है, जब दो घंटे नहाते हो तो ये हाथ के जो सेल हैं, स्किन के जो सेल हैं, वो अपना वाटर लूज करने लगते हैं, जब वाटर निकलेगा इसमें तो सिकुड़ेगा कि फैलेगा, सिकुड़ेगा ना। जब नहाने के समय डिटर्जेंट वगैरह बहुत ज्यादा देर यूज करते हैं, डिटर्जेंट में बहुत ज्यादा सॉल्ट होते हैं, तो जब बार बार वो हाथ के कॉन्टेक्ट में रहेगा डिटर्जेंट, तो वो क्या करेगा बाहर के एनवायरमेंट में क्या है सॉल्यूट ज्यादा है ना, यानी NaCl नमक ज्यादा है, कोई भी सॉल्यूट अगर ज्यादा होगा तो जब सॉल्यूट ज्यादा है और अंदर में सॉल्यूट कम है तो वो क्या करेगा वाटर को बाहर निकालेगा। आप समझे बात को, इसी वजह से हाथ की उंगलियां सिकुड़ने लगती हैं जब हम लोग बीच पे जाके नहाते हैं, तो हाथ की उंगलियों का सिकुड़ना इसका मतलब है कि
एक्जो ऑस्मोसिस होना, आप समझ में आई बात। और दूसरा एग्जांपल, घर में अचार है, अचार में बहुत ज्यादा नमक मिक्स कर देते हैं हम लोग ताकि अचार जो है वह एक एक साल तक चलता रहे, खराब नहीं हो हमारा अचार, क्यों भाई? बोलो मुझे क्या पता, मम्मी बनाती है, दादी बनाती है, मैं क्यों जानू, बायोलॉजी है उसमें, जानिए। जब सॉल्ट का कंसंट्रेशन उस अचार में यानी पिकल्स में ज्यादा होंगी, उसके वजह से अगर कोई पैथोजेन यानी फंगाई या बैक्टीरिया जब उस अचार के ऊपर जाएगा उसे खराब करने के लिए, तो फंगाई भी अगर गया तो क्या है, वो सेल है, तो उस सेल के अंदर में उतना सॉल्ट नहीं है जितना पिकल्स में है, तो जैसा ही वो जाएगा उस फंगाई में एक्जो ऑस्मोसिस होने लगेगा, और एक्जो ऑस्मोसिस होने की वजह से वो क्या होगा, वहीं पर मर जाएगा और अचार खराब होने से बच जाएगा। आप कभी सुना होगा कि अचार को कभी भी भींगे हाथ से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब आप पानी वाले हाथ से अचार को लेने जाओगे तो जिस पार्ट पे अगर आप टच करोगे हाथ को, वहां पे पानी जाएगा, तो पानी गया तो यानी वहां पे सॉल्ट के कंसंट्रेशन को डाइल्यूट कर दिया, तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम हो गया, और वहीं पर अगर फंगाई आ गया तो वो ग्रोथ करके अचार को खराब कर देगा। इसीलिए अचार को हमेशा हाथ एकदम साफ करके धो के सुखा के तब हाथ लगाना चाहिए अचार में, या किसी इवन स्पून वगैरह से भी निकालते तो स्पून एकदम सूखा होना चाहिए। तो उसके पीछे रीजन ये है। तो नमक बढ़ाने का मतलब ताकि वो अचार काफी दिन तक चले, नमक ज्यादा होगा, कोई भी माइक्रोब बैक्टीरिया फंगाई कोई भी वहां पर आएगा वो क्या करेगा, एक्जो ऑस्मोसिस करके यानी उस बैक्टीरिया और फंगाई के अंदर से सारा पानी बाहर निकल जाएगा और वो मर जाएगा। तो जब बैक्टीरिया फंगाई ग्रोथ नहीं करेगा तो वो हमारा सामान बर्बाद होने से बच जाएगा। तो एक्जो ऑस्मोसिस और इंडो ऑस्मोसिस यही चीज है। तो यानी कि जब ये सॉल्यूशन, यानी एक्सटर्नल सॉल्यूशन हुआ, ये इंटरनल सॉल्यूशन हुआ, तो ये जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है ये क्या करता है, सॉल्यूशन काउज एंडो ऑस्मोसिस यानी पानी का अंदर जाना, एंडो ऑस्मोसिस, वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब समझ गए, अब लिखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन उसको क्या लिखेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, देखिए अब the osmotic concentration of the osmotic concentration of both the solution the osmotic concentration of both the solution are इक्वल और सिमिलर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इट कॉज इक्वल एंट्री और exit of water in of water यानी ये जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही पानी क्या होगा बाहर आ जाएगा, यानी इक्वल रहेंगे। और ये हमें देखने को मिलता है एक फ्लैसिड सेल में, यानी एक ऐसा सेल जिसमें किसी इंग्रेडिएंट की अभी कमी है, यानी वो कुछ लेना चाहता है, ना पूरी तरह से टर्जिड है ना पूरी तरह से प्लाज्मोलाइड है, तो वैसे सेल को हम लोग बोलते हैं फ्लैसिड सेल। तो यहां पर अब एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन को लेके अगर चलेंगे तो क्या दिखाना होगा, तो यहां पर
10% NaCl सॉल्यूशन जो यहां पर है वही सारा चीज यहां पर कर दीजिए और ये हो गया 90% वाटर। तो इसमें भी सब चीज सेम, इसमें भी सेम, यानी दोनों सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो इक्वल है और इसमें क्या होंगे, जितना वाटर अंदर जा रहा है उतना ही वाटर क्या होगा बाहर भी आएगा, या फिर कुछ भी नहीं, ना अंदर जाएगा ना बाहर आएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि अंदर जाना ही और बाहर पानी आना ही, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। यानी नो चेंज, इस कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं होंगे और ये हमें देखने को मिलता है एक फ्लैशिड सेल में, इन फ्लैशिड सेल। ये हो गया। तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कल जो बनाए थे हम लोगों ने देखा, हुआ ये। ये अब हेडिंग देंगे वाटर पोटेंशियल, झला रहे बाबू, कोई कष्ट कुछ भी दिक्कत हो शर्माने का नहीं, पूछ लेने का, पूछने के लिए ही फीस पे किया है यहां पर, ठीक है ना। चलिए, सारा काम जो है करोगे लेकिन पूछने के टाइम पे सोचोगे कि आप बहुत बुरा लगेगा, सर क्या सोचेंगे, कहीं से लोग मुझे कमजोर बच्चा ना समझे या ये ना समझे कि मुझे कुछ नहीं आता है, और यही सब उलझनों में आप लोग पढ़ करके और जहाँ पे जो चीज़ शॉर्ट आउट होना चाहिए वही चीज़ बर्बाद कर लेते हैं। तो जब जो डाउट हो उसको वहीं पे क्लियर करके आगे बढ़िए, ओके। यहाँ पे समझ लो कि सब के सब क्या है, सिर्फ हमको छोड़ के सब क्या है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यानी सब के सब गधे हैं सिर्फ हमको छोड़ के। तो जब भी कोई डाउट हो तो पहले बेझिझक होके पूछने का, ये मत सोचो कि सिर्फ मुझे नहीं आता है यानी बाकी सबको आता है, नहीं, मान के चलो किसी को नहीं आता है इसलिए हम पूछ रहे हैं। चलिए आइए अब वाटर पोटेंशियल देखिए बेटा, वाटर पोटेंशियल क्या कहता है हमारा डेफिनेशन। वाटर पोटेंशियल के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि वाटर पोटेंशियल जो है वह एक ऐसा पोटेंशियल ही है, यानी कि द डिफरेंस ऑफ फ्री एनर्जी बिटवीन ए सॉल्यूशन एंड प्योर वाटर, दैट इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। जो एक सॉल्यूशन और फ्री सॉल्यूशन फ्री एनर्जी का डिफरेंस एक सॉल्यूशन और प्योर वाटर के बीच में जो है उसको हम लोग कहते हैं वाटर पोटेंशियल। द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर पोटेंशियल, यानी एक सॉल्यूशन में या कोई पानी में जो केमिकल्स हैं, तो पानी में जो केमिकल्स हैं, केमिकल्स कहने का मतलब कि कोई भी सॉल्यूट, That is called water potential। और कल हम लोग बहुत अच्छे से इस पे थोड़ा काम भी किए थे, नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा अच्छे से समझेंगे। पहले हेडिंग दिया आप लोगों ने वाटर पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखेंगे। लिखेंगे इट इज
इट इज डिफरेंस ऑफ फ्री एनर्जी बिटवीन प्योर वाटर एंड ए सॉल्यूशन. इट इज डिफरेंस ऑफ फ्री एनर्जी बिटवीन प्योर वाटर एंड ए सॉल्यूशन सॉल्यूशन बस इतना हो गया. या फिर इसी को कहते हैं और दी केमिकल पोटेंशियल इन वाटर इज कॉल्ड वाटर. द केमिकल पोटेंशियल इन वाटर इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल. या इसी वाटर पोटेंशियल को ऐसे भी बोल सकते हैं कि यह एक ऐसा डिफरेंस है प्योर वाटर और सॉल्यूशन के बीच में जो फ्री एनर्जी को बताता है कि प्योर वाटर में कितना फ्री एनर्जी है और उसके बगल में जो फ्री कोई सॉल्यूशन है तो उसमें कितना एनर्जी है. दोनों के एनर्जी का जो डिफरेंस है उसी को कहते हैं हम लोग वाटर पोटेंशियल. ठीक है. अब कहता है कि वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल और फ्री एनर्जी टू लोअर वाटर पोटेंशियल और लोअर वाटर पोटेंशियल और फ्री एनर्जी. वाटर जो है वो हायर वाटर पोटेंशियल से किधर की ओर मूव करेगा? लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर. तब लिखेंगे द मैक्सिमम केमिकल पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल इन प्योर वाटर occurs in pure water which is zero. सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल किसमें होती है? प्योर वाटर में. वो कितना होता है? जीरो. ये हाईएस्ट वैल्यू है भाई. ये क्या है? एक हाईएस्ट वैल्यू है. तो जब भी होगा तो इससे कम होगा अगर सॉल्यूट को बढ़ाते हैं तो. लिखेंगे The addition of solute
the addition of solute decrease water potential due to decrease free energy. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको समझाने के लिए ही सिर्फ लिखा है. ये लाइन में बहुत सारी बातें हैं तो आप इसको ध्यान से रखेंगे समझेंगे. यानी जब हम लोग सॉल्यूट को बढ़ाते हैं तो एडिशन ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज वाटर पोटेंशियल. क्यों? जब सॉल्यूट को किसी सॉल्यूशन में या प्योर वाटर में मिलाते हैं तो वह वाटर की पोटेंशियलिटी को कम करता है. क्यों? क्योंकि वह फ्री एनर्जी को कम कर देता है. और क्यों कम कर देता है फ्री एनर्जी को? कल भी समझे थे, फिर भी एक बार समझाएंगे हम आपको. तब लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड एज साई, जिसे पी एस आई साई बोलते हैं, दैट इज साई डब्लू. इसी को साई डब्लू बोलते हैं. इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं. और साई डब्लू को किस में हम लोग मेजर कर सकते हैं? तो साई डब्लू मेजर इन बार पास्कल और एटमॉस्फेयर. यस, एटमॉस्फेयर एक ऐसा यूनिट है. या तो एटीएम में या बार में या फिर पास्कल में हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं. हो गया ये, यहां तक हुआ? ओके. अब कहता है साई डब्ल्यू इक्वल टू, साई डब्ल्यू जो यहां पर लिखे हैं हम, तो इसका भी एक फॉर्मूला है. जैसे कल लिखे थे डीपी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, कल का लिखा हुआ है फॉर्मूला एक. तो उसी तरह कहता है साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी. ये फार्मूला को इस तरह से ब्रैकेट में डाल दीजिए. यानी अब इसको समझने के लिए हम लोग को समझना होगा साई एस और साई पी के बारे में. साई एस का मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल, साई पी का मतलब प्रेशर पोटेंशियल. अब देखिए यहां पर इतना सारा डेफिनेशन हमने सर बातों को लिख दिया है. इस चीज को यहां पर थोड़ा समझ लीजिए कि ये जो बातें हमने लिखी है बेटा, देखिए यहां पर यह एक सॉल्यूशन है. तो सबसे पहले इस चीज को अच्छे से समझिए. यहां पर आपको बहुत सारा चीज क्लियर होगा. अब इस तरफ एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में
सॉल्यूशन अगर जब भी हम बोलते हैं इसका मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का पार्ट है, दोनों चीज मिला हुआ है, तभी कोई सॉल्यूशन बनता है। और इधर में एकदम प्योर वाटर है, यानी कोई सॉल्यूट नहीं है। वाटर पोटेंशियल का डेफिनेशन हमारा कहता है कि द केमिकल पोटेंशियल इन वाटर, यानी कि वाटर में कितना सॉल्यूट मिला हुआ है उसी की पोटेंशियलिटी को हम लोग कहते हैं वाटर पोटेंशियल। अब केमिकल का मिलने से पोटेंशियलिटी का क्या रिलेशन है, यह चीज को समझिए। अगर कहीं पे इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट आ गया, इधर प्योर वाटर, इधर कोई सॉल्यूट नहीं है, तो इधर फ्री एनर्जी ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा। और इधर सॉल्यूट है मतलब फ्री एनर्जी ज्यादा होगा कि कम? कम। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आपने सॉल्यूट को मिलाया तो वाटर के जो फ्री मॉलिक्यूल थे वह उस सॉल्यूट के साथ डिफ्यूज हुए, यानी डाइल्यूट होने में एनर्जी तो लगा होगा ना भाई। चीनी का दो दाना और पानी का एक बूंद, दोनों को अगर मिलाते हैं तो थोड़ी देर के बाद चीनी घुल जाएगा पानी के साथ, डाइल्यूशन बना। तो उस चीनी को घुलाने के लिए कोई ना कोई एनर्जी तो लगा होगा ना, बिना एनर्जी के कोई काम है पॉसिबल नहीं है। तो उस चीनी को घुलाने के लिए भी कोई ना कोई एनर्जी लगा। इसका मतलब है कि जो वाटर के फ्री मॉलिक्यूल थे और उस फ्री मॉलिक्यूल में जो एनर्जी थी वही चीनी को घुलाने का काम किए। तो हमेशा सॉल्वेंट डिफ्यूज करता है सॉल्यूट को। अब आप सोचेंगे सर चीनी में भी तो फ्री एनर्जी होगी, वो वाटर को क्यों नहीं डिफ्यूज करेगा? तो ये नेचर है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट हमेशा हम उसको कहते हैं जो सॉल्यूट को डिफ्यूज करे। सॉल्वेंट होने का ही डेफिनेशन है ये, कि जो सॉल्यूट को डिफ्यूज करे, यानी पानी जो है वो चीनी को डिफ्यूज करेगा, ना कि चीनी पानी को डिफ्यूज करेगा। आप समझ गए बात को? ठीक है, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अभी इतना लेके चलना है। केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा है, बहुत सारा चीज आएगा आपको। तो यानी आप कह रहे हो, तो हम क्या कह रहे थे कि वाटर की पोटेंशियलिटी किसको कहते हैं? तो या तो पानी में जो केमिकल्स है, पानी में जो केमिकल है, यानी जितना केमिकल है वो सारे केमिकल की पोटेंशियलिटी को हम लोग कहते हैं। हम कह रहे हैं कि इस क्लास में 100 बच्चे बैठ सकते हैं, तो इस क्लास का पोटेंशियलिटी क्या है? 100 सीट के क्लास है। तो आदमी पूछता है कि इस क्लास की क्षमता कितनी है? तो इस क्लास की क्षमता 100 बच्चों के बैठने की है। तो कैपेसिटी की बात आई ना, यानी पोटेंशियलिटी की बात आई। तो उसी तरह इस पानी में टोटल जो सॉल्यूट है ये इसका पोटेंशियलिटी हुआ। अब प्योर वाटर का पोटेंशियलिटी हमेशा ज्यादा है क्योंकि इसमें फ्री एनर्जी है। और अभी हमने लिखा है कि हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर वाटर का क्या होता है? मूवमेंट होता है। क्योंकि इधर फ्री एनर्जी ज्यादा है, वाटर के फ्री मॉलिक्यूल ज्यादा है, इधर कम है, तो फ्री मॉलिक्यूल इधर से इधर जाना चाहेगा। तो इसको इस तरह से आप दिखा सकते हैं, यानी इधर आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको दिखाइए ऐसे, ये है प्योर वाटर और इधर है सॉल्यूशन। वाटर हमेशा मूव करेगा प्योर वाटर से सॉल्यूशन की ओर। या फिर इसी चीज को ऐसे दिखा सकते हैं, मोर फ्री एनर्जी, यानी फ्री एनर्जी फ्री एनर्जी क्या है इधर? ज्यादा है। एरो ऊपर दिखाने का मतलब ज्यादा है। तो इधर क्या है फ्री एनर्जी? बोलिए, कम है। और या फिर इसी को कहते हैं हाई वाटर पोटेंशियल, इधर लो वाटर पोटेंशियल। हाई वाटर पोटेंशियल एंड लो वाटर पोटेंशियल।
इसीलिए हम क्या लिखे हैं यहां पर, द एडिशन ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज वाटर पोटेंशियल या फिर डिक्रीज फ्री एनर्जी, यानी सॉल्यूट को बढ़ाया तो क्या होंगे, फ्री एनर्जी डिक्रीज करेंगे। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये हो गया है सॉल्यूट, यानी मान लीजिए सॉल्यूट में NaCl और इसको आप ऐड किए हैं, तो ऐड करने की वजह से क्या हुआ है, फ्री एनर्जी कम हो गया, या ऐड करने की वजह से क्या हुआ है, वाटर पोटेंशियल लो हुआ है, और इधर नहीं ऐड किए हैं इसलिए फ्री एनर्जी ज्यादा है, यानी वाटर का पोटेंशियलिटी ज्यादा है। यहां तक बात आई समझ में, अभी भी किसी को कोई दिक्कत? ये हो गया ना बेटा, हाँ अब आइए, ये भी हो गया साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस पी, यानी साई डब्ल्यू और साई पी लिखाना है, अभी पढ़ना है हम लोग को, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल के बारे में जानना है। और ये जानने के पहले डायग्राम हमारा यहीं पर है ये, तो इसीलिए कल हमने एक बात लिखा था, क्या बात लिखी थी, डीपीडी इक्वल टू क्या होता है, ओपी माइनस टीपी, और तब लिखा था डीपीडी इक्वल टू साई डब्ल्यू, दोनों एक ही चीज है, साई डब्ल्यू डीपीडी को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, साई डब्ल्यू कह सकते हैं। ऐसा क्यों, डीपीडी को साई डब्ल्यू कैसे कह सकते हैं, यानी डीपीडी और वाटर पोटेंशियल एक ही चीज कैसे है, आई बात। अब देखो, जब हम लोग किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट को मिला रहे थे तो डिफ्यूजन का प्रेशर कम हो रहा था। अब मान लिया याद ही नहीं है डिफ्यूजन प्रेशर क्या लिखाए थे, है ना, दिमाग में रहे तब ना। सर तीन तीन चीज पढ़ना होता है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, क्या क्या रखें, छोटा सा दिमाग है। होता क्या है, क्लास टेंथ तक आपके पास 512 एमबी का रैम होता है, और जैसे ही आप क्लास 11 12 में आते हैं तो यहां जरूरत पड़ जाती है 3 जीबी के रैम की। अब एक बाय एक 512 से 3 जीबी के रैम में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है, जिससे आपका दिमाग का पूरा सिस्टम हैंग होने लगता है। अब हैंग होना, कोई भी सिस्टम हैंग होता है तो क्या करते हैं, फॉर्मेट मारते हैं, तो आप ऐसा फॉर्मेट मारते हैं कि पूरा ब्लैंक हो जाता है, कुछ अंदर बसता ही नहीं है, तो हर चीज नया लगता है, एक दिन पहले का पढ़ाया हुआ चीज भी क्या लगता है, नया लगता है, स्पेस ही नहीं है, कुछ जाता ही नहीं है, सब हैंग होने, तो पर डे आप लोग हैंग ये कर देते हैं, पूरा का पूरा फॉर्मेट मार देते हैं, और फिर से एकदम सुबह सुबह तरोताजा होके आते हैं। बाय डिफॉल्ट कोई कोई चीज अगर रह गया सिस्टम में तो थोड़ा मोड़ा रिप्लाई आ जाता है, नहीं तो स्पेस ही नहीं है, पूरा का पूरा फॉर्मेट, ऐसा करेंगे तो चलेगा नहीं। इसी तरह से अगर फॉर्मेट मारते रहे और आपका दिमाग हैंग होता रहा तो नीट पहुंचते पहुंचते जो है वो वहां पर ऐसा हैंग होगा
सारे डेफिनेशन जब तक याद नहीं रहेंगे ये चैप्टर में, मैंने पहले ही बोला था कि प्लांट फिजियोलॉजी के 5 चैप्टर हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इन 5 में से 3 चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन, सिर्फ 2 चैप्टर को छोड़ दीजिए, 1 चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन और लास्ट चैप्टर ग्रोथ इन प्लांट, ये 2 चैप्टर को हटा दीजिए, बाकी ये जो 3 चैप्टर हैं बहुत कंसेप्चुअल हैं। अगर सिर्फ एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो कुछ भी नहीं है, बस डेफिनेशन दिया क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर ये समझना है तो आपको डेफिनेशन दिमाग में, सारा चीज दिमाग में, तभी एक्चुअल रीजन समझ में आएगी। अब मान लिया डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, डीपीडी हम बता रहे हैं, तो पहले डिफ्यूजन का प्रेशर क्या होता है यही नहीं पता है तो डीपीडी कहां से पता चलेगा। तो सुनिए, डिफ्यूजन प्रेशर कहता है कि कोई भी पार्टिकल हायर से लोअर की ओर जाने के लिए एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, यानी वो चाहता है कि पहले मैं लोअर स्टेट में चला जाऊं, यानी हायर से लोअर के तरफ जाऊं, और वो जाने के लिए एक प्रेशर एग्जर्ट करता है उस डिफ्यूजन सिस्टम पे, उस प्रेशर को कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर, यानी वो पहले चाहता है कि मैं जाऊं। जैसे एग्जांपल दिया था कि कहीं सिनेमा हॉल में हम लोग मूवी देखने गए, कोई बोल दिया बम है, तो हर कोई चाहता है मेन गेट से पहले बाहर निकले, तो उस गेट के ऊपर क्या हुआ, प्रेशर आया कि पहले मैं निकले पहले हम निकले। तो उसी तरह हायर से लोअर की ओर जाने के लिए हर एक पार्टिकल एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, और उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। पहला बात ये हो गया। और जब किसी सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्यूट को बढ़ाते हैं तो वो डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाता है, क्यों कि अगर सॉल्यूट को बढ़ाएंगे तो सॉल्वेंट के फ्री मॉलिक्यूल उसके साथ डिफ्यूज हो जाएंगे, तो अब तो वो फ्री रहा नहीं, तो जब फ्री नहीं रहेगा तो वो डिफ्यूजन के प्रेशर को कम कर देगा, इसी को कहते हैं डीपीडी। यानी सॉल्यूट के बढ़ाने से जो डिफ्यूजन के प्रेशर में कमी आती है उसको डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। वाटर पोटेंशियल भी क्या कहता है हमारा, कि सॉल्यूट के बढ़ाने से जो सॉल्वेंट में फ्री एनर्जी की कमी होती है वही क्या कहलाता है, वाटर पोटेंशियल। यानी उसी को तो इस तरह से लिखे हम कि द केमिकल पोटेंशियल इन वाटर इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल, यानी वाटर में कितना केमिकल है उसकी पोटेंशियलिटी। तो केमिकल मिलाया मैंने, सॉल्यूट मिलाया मतलब वाटर के फ्री एनर्जी को कम कर दिया। तो ऐसे भी तो कह सकते हैं कि वाटर का फ्री एनर्जी क्यों कम हुआ भाई, वाटर में फ्री एनर्जी है वो क्यों कम हुआ, एडिशन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट ने जाके कम किया ना, तो ये किसकी टेंडेंसी है, सॉल्यूट की टेंडेंसी कि उसने कम कर दिया, उसके वजह से हुआ ना ऐसा काम। तो वही हुआ सॉल्यूट, ये केमिकल पोटेंशियल। तो सॉल्यूट के मिलाने से जो फ्री एनर्जी में कमी आ रही है वही है वाटर पोटेंशियल, या फिर सॉल्यूट के मिलाने से डिफ्यूजन के प्रेशर में जो कमी आ रही है तो उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर। दोनों में कमी आ रही है किसके वजह से, सॉल्यूट के वजह से। तो अब कह सकते हैं डीपीडी इक्वल टू साई डब्लू, तो कल लिखाया था मैंने डीपीडी इक्वल टू साई डब्लू, क्यों ऐसा हुआ, समझ गए आप बात। तो ये जो बातें हैं, अब इसमें अंतर क्या है, डीपीडी एक पॉजिटिव वैल्यू है और साई डब्लू एक निगेटिव वैल्यू है। अब क्यों भाई, तो आप बोलते हो ना, हम क्या बोला कि डीपीडी मतलब सॉल्यूट के बढ़ाने से डीपीडी बढ़ जाता है, सॉल्यूट के बढ़ाने से क्या होता है, डीपीडी बढ़ता है, लेकिन सॉल्यूट के बढ़ाने से वाटर की पोटेंशियलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। अभी बताया मैंने कि देखो यहां पर NaCl को मिलाया तो वाटर की पोटेंशियलिटी क्या हो गई, लो, जबकि हम लोग सॉल्यूट को बढ़ाते हैं तो डिफ्यूजन का प्रेशर घटना यानी डीपीडी का बढ़ना, ये याद रखिएगा, डिफ्यूजन का प्रेशर
जितना घटेगा सॉल्यूट को मिलाने से उसी को क्या कहते हैं हम लोग, डीपीडी कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर। डेफिसिट का मतलब ही होता है कमी होना, घट जाना। तो किसका डेफिसिट? डिफ्यूजन के प्रेशर का। और वो क्यों हो रहा है? सॉल्यूट के मिलाने से। यानी डिफ्यूजन का प्रेशर का घटना, इसका मतलब डीपीडी का बढ़ना। इसलिए डीपीडी एक पॉजिटिव वैल्यू है जबकि साई डब्ल्यू एक निगेटिव वैल्यू है, बाकी दोनों इक्वल है। अगर डीपीडी का वैल्यू 7 बार आ रहा है तो साई डब्ल्यू का वैल्यू -7 बार होगा, बस और कोई अंतर नहीं। अगर डीपीडी का वैल्यू 5 ATM है तो साई डब्ल्यू का वैल्यू -5 ATM होगा। तो क्यों इक्वल हुआ ये समझ गए? अब याद रहेगी। अब आपको एक चीज बताता हूं, मैं बोर्ड पे किसी चीज को समझाता हूं, ठीक है, और वो चीज समझने के बाद आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, जिस लैंग्वेज में ऐसा चाहते हैं कि फ्यूचर में भी याद रहे, आप उस चीज को समझने के बाद अपने तरीके से अपने नोटबुक में लिख दीजिए। चीजों को समझने से मतलब है, मतलब लैंग्वेज से नहीं है। जो चीज आप जहां पर जैसे समझें और चाहते हैं कि फ्यूचर में हम उसे नहीं भूलें, उसको वहीं पर अपने लैंग्वेज में, मराठी में है तो मराठी में लिखो, कोई मतलब नहीं है रे बाबा, बस दिमाग में होना चाहिए वो चीज, उसको वहीं पर वो लिख दो। आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो सब याद है, 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद ये सारी चीजें फिर से नई लगने लगेगी। तो अगर आप अपने हिसाब से, हमने समझाया अपने हिसाब से, बस आप समझ गए अगर, तो आप उसे अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में अपने नोटबुक में मेंशन कर दो कि आपके हिसाब से मेंशन किया हुआ चीज हमेशा आपको याद रहेगा और मेरे हिसाब से किया हुआ चीज वो जैसे हमको याद रहता है। अब समझ में आई बात? तो उसको अपने हिसाब से एकदम मेंशन करके लिखिए। अब चलिए, तो ये बातें जब हम लोग समझ गए तो अब हम लोग समझते हैं साई एस और साई पी का वैल्यू निकालना, मतलब साई एस और साई पी क्या है। चलिए हेडिंग देंगे सॉल्यूट पोटेंशियल। आइए हेडिंग देंगे सॉल्यूट पोटेंशियल, इसी को देखिए। तो सॉल्यूट पोटेंशियल जो है बेटा वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है। अब आप सोचेंगे फिर से ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन भी नहीं याद होगा। क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन, निकालिए। हाँ, वाटर के फ्लो को रोक देता है किधर से किधर, यानी हायर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन से लोअर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में जाने से जो वाटर के मूवमेंट को यानी ऑस्मोसिस होने से रोक देगा, उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, है ना। तो उसी तरह यहां पर, तो देखिए सॉल्यूट पोटेंशियल हुआ कि अभी हम लोग क्या सीखे थे कि वाटर की पोटेंशियलिटी क्यों कम हो रही थी,
सॉल्यूट को मिलाने के वजह से, यानी सॉल्यूट में ये कैपेसिटी है, ये क्षमता है कि वाटर के फ्री एनर्जी को कम कर दे। तो ये किसकी क्षमता है? सॉल्यूट की क्षमता है, यानी सॉल्यूट की पोटेंशियलिटी है। तो उसी पोटेंशियलिटी को, यानी जिस कैपेसिटी, क्षमता या पोटेंशियलिटी के वजह से सॉल्यूट वाटर के फ्री एनर्जी को कम कर देता है, उसी को क्या कहते हैं? सॉल्यूट पोटेंशियल। अब बस सब आसान आसान चीजें हैं और कुछ नहीं है। तो जिस पोटेंशियलिटी, क्षमता या कैपेसिटी, कुछ भी कहिए, के वजह से वाटर के फ्री एनर्जी कम हो जाते हैं, यानी सॉल्यूट के मिलाने से जो कम हो जाते हैं, उसी पोटेंशियलिटी को हम लोग कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। अब लिखेंगे सॉल्यूट पोटेंशियल को। द एडिशन ऑफ सॉल्यूट in a solution or pure water, the addition of solute in a solution or pure water the addition of solute in pure water or solution that decrease the free energy of decrease the free energy of water called solute potential Solute potential is equal to osmotic pressure but osmotic pressure is a osmotic pressure is a positive value and solute potential is a negative value solute potential is a negative value ये प्रेशर पोटेंशियल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं साई पी से। It is a
RTJ, pressure, it is a pressure in osmotic, it is a pressure in osmotic system due to entry, it is osmotic pressure in osmotic system due to entry or exit of water the entry of water develop a positive hydrostatic pressure, positive hydrostatic pressure called positive osmotic pressure. Pressure potential is equal to turgor pressure or hydrostatic pressure. Turgor pressure जो लिखे थे कल, वॉल प्रेशर, टर्गर प्रेशर, तो टर्गर प्रेशर को ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं। और ये भी याद रखिएगा, जो डीपीडी लिखे थे, डीपीडी को हम लोग सक्शन प्रेशर भी कहते हैं। तो कहीं पे सक्शन प्रेशर आ गया तो ये मत समझना कि नया चीज है, सक्शन प्रेशर का मतलब डीपीडी होता है। सक्शन प्रेशर या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट एक ही चीज है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या टर्गर प्रेशर भी एक ही चीज है। तो वाटर के एंट्री होने से या वाटर के बाहर आने से, अरे भाई कहीं पर भी वाटर अंदर जाएगा तो एक प्रेशर तो डेवलप होगा ना, या वाटर बाहर आएगा तो आने से अगर सिकुड़ रहा है तो क्यों, किसी प्रेशर की वजह से सिकुड़ रहा है। तो वही जो प्रेशर डेवलप होता है यानी प्रेशर की जो पोटेंशियलिटी है उसी को कहते हैं, तो ड्यू टू एंट्री और एग्जिट ऑफ वाटर इन ऑस्मोटिक सिस्टम यानी जहां पे ऑस्मोसिस हो सकता है, तो उस सिस्टम पे वाटर के आने और जाने से जो प्रेशर की पोटेंशियलिटी यानी जो प्रेशर डेवलप होता है उसी को कहते हैं हम लोग प्रेशर पोटेंशियल। तो ये जो फार्मूला हमारा था साई एस साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, तो जब सॉल्यूट को ऐड करते हैं हमारा, देखो वाटर की पोटेंशियलिटी किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे। अगर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन यानी पानी जितना ज्यादा, प्योर वाटर जितना ज्यादा बढ़ेगा तो वाटर की पोटेंशियलिटी क्या होगी, उतना बढ़ेगी। तो वाटर की एंट्री मतलब क्या हो गया, प्रेशर पोटेंशियल। और सॉल्यूट यानी जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड होगा तो वाटर की पोटेंशियलिटी क्या होगी, उतना घटेगी। तो इसीलिए साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी होता है। क्यों होता है समझे, कि साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, क्योंकि भाई ये लिख लिया है ना। देखिए तो फिर से डायग्राम बना के दिखा देता हूं, ये जो दोनों डेफिनेशन है यानी कि जो साई एस इक्वल टू साई एस प्लस साई पी का मतलब बेटा, तो हम लोग यही कह रहे थे ना कि यहां पर ये प्योर वाटर है यानी कोई सॉल्यूट नहीं है, तो सॉल्यूट नहीं है यानी कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल
कितना है बेटा? जीरो, हाईएस्ट वैल्यू है ये। और कहते हैं कि जैसे ही इसमें हम सॉल्यूट को बढ़ा दिए, इधर सॉल्यूट को बढ़ा दिए, तो पोटेंशियलिटी क्या होगी? अब कम हो जाएगी। तो कम किसके वजह से हो रहा है? सॉल्यूट के वजह से। तो यानी कि वाटर की पोटेंशियलिटी निकालने के लिए सॉल्यूट देखना पड़ेगा हमें, तो इसलिए क्या लिए? साई एस। और हम चाहते हैं कि फिर से वाटर की पोटेंशियलिटी बढ़ जाए, तो क्या मिलाना पड़ेगा? यानी फिर से प्योर वाटर मिलाना पड़ेगा। यानी कि और हम क्या कर दिए, ये हो गया प्योर वाटर। तो कितना प्योर वाटर है और कितना सॉल्यूट है, दोनों के अगर पोटेंशियलिटी को देख लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? वाटर पोटेंशियल। तो वाटर के मिलाने से, प्योर वाटर को बढ़ाने से वाटर पोटेंशियल बढ़ता है, सॉल्यूट के मिलाने से वाटर पोटेंशियल घटता है। तो किसी सॉल्यूशन में कितना वाटर है और कितना सॉल्यूट है, जिसके वजह से उसकी क्या पोटेंशियलिटी है जानना है, तो इन दोनों को लेना पड़ेगा। इसीलिए साई डब्ल्यू निकालने के लिए हमेशा क्या लेना पड़ता है? साई एस प्लस साई पी को लेना पड़ता है। और यहां पर जो हम लिखे थे साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस पी, तो साई डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? साई डब्ल्यू या डीपीडी दोनों क्या है? सेम है। फिर उसके आगे देखो, साई एस वाले में हमने लिखाया है कि साई एस जो है वो किसके बराबर है? ओपी के। और साई पी किसके बराबर है? टीपी के। तो अब फार्मूला मिल गया हमें, तो साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस पी, या फिर डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। अब यहां तक हो गया बात। अब आइए ये दिखा क्या, हाँ OP माइनस TP, ये प्लस हो गया, ये हो गया। अब आइए दो सेल हैं यहां पर, ठीक है, ये ए है और ये सेल बी है। इस सेल का जो ओपी है वह कह रहा है 7 ATM, और इसका साई पी का वैल्यू जो है वह कह रहा है 2 ATM, ठीक। जबकि इधर का जो सेल है उसका ओपी का वैल्यू है 6 ATM, और साई पी का वैल्यू जो है वह कह रहा है 3 ATM। अब वाटर का मूवमेंट किधर से किधर की ओर होगा? निकालिए, बताइए फटाफट, अंदाज से नहीं, अपने नोटबुक बना के दिखाइए कैसे आप कह सकते हैं। तो कोई बोलेगा ए से बी, तो कोई दूसरा बोलेगा बी से ए, और दो ही ऑप्शन है ना भाई, या तो ए से बी होगा या तो बी से ए होगा। अब मैं बोलूंगा ये आंसर है, तो आप बोलेंगे सर मैंने बोला था, मैंने बोला था। हाँ, ए से बी कैसे निकाले बताइए,
हमें पहले इसका डीपीडी बताइए। डीपीडी माइनस में आता ही नहीं है, हमेशा साई डब्ल्यू का वैल्यू माइनस में और डीपीडी का वैल्यू पर एक या एक पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो डीपीडी का वैल्यू कितना आएगा? 5 एटीएम। और इसका डीपीडी कितना? 3 एटीएम। आप बताइए हायर डीपीडी से लोअर डीपीडी की ओर या लोअर से हायर की ओर? अगर वो नहीं याद है तो कम से कम साई डब्ल्यू निकाल लेते हैं तुरंत, उससे तो पता चल जाएगा ना भाई। चलिए वो आपको नहीं याद आ रहा है, अभी तो साई डब्ल्यू किया है हम लोगों ने वाटर पोटेंशियल, उसके बेसिस पे बता सकते हैं। साई डब्ल्यू का वैल्यू बताइए, माइनस और इधर माइनस 3 एटीएम। अब तो डीपीडी के हिसाब से भी B2A होगा, समझ में आई बात? तो वाटर का मूवमेंट किधर से किधर? B2A। अब कैसे ऐसा? अरे डीपीडी का बढ़ना मतलब सॉल्यूट का ज्यादा होना। डीपीडी कब बढ़ता है? एड सॉल्यूट को बढ़ाते हैं डीपीडी बढ़ते चला जाता है। डीपीडी का बढ़ना मतलब डिफ्यूजन का प्रेशर घटना। तो इसका डीपीडी का वैल्यू कितना है? 5 है और इसका कितना है? 3। हमेशा लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी की ओर होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर होता है। तो जब माइनस में वैल्यू है तो ज्यादा बड़ा कौन होगा, माइनस 5 की माइनस 3? माइनस 3 होगा। अरे समझो कि मुझे इसको 3 रुपए देने हैं और इसको इसे 5 रुपए देने हैं, तो ज्यादा माइनस में ज्यादा अमाउंट किसको देना है? इसको। ज्यादा निगेटिव में ये है, मुझे तो 3 ही रुपए पे करना है लेकिन इसको 5 रुपया पे करना है, तो ज्यादा कर्ज में ये है या मैं? ज्यादा कर्ज में ये है। तो उसी तरह से भाई इसके पास माइनस 3 मतलब ये कम नुकसान में है, माइनस 5 ज्यादा नुकसान में है। तो हमेशा हायर से लोअर, यानी इसमें वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और इसमें कम है, तो B2A। अब समझ में आई बात? और आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकता है। अब चलिए कल आप लोग बना के आएंगे, यह 3 सेल है, यह ए बी और सी, इसका ओपी इक्वल टू 7 एटीएम और साई पी का वैल्यू 4 एटीएम। उसके बाद है यहां पर साई एस इक्वल टू माइनस 5 एटीएम और टीपी का वैल्यू 2 एटीएम और यहां पर डीपीडी इक्वल टू 8 एटीएम। तो साई डब्ल्यू का वैल्यू नहीं, साई डब्ल्यू नहीं, तो इसका साई एस का वैल्यू वाट,